और यही वजह है कि भैया साफ बनता जा रहा है। तो बेस ऐसा है ना दोस्त, अगर फुल वॉल्यूम पे सुनते रहे ना तो कान का बेस खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यार लमसम 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस नेक बैंड को यूज करते हुए। हमने ना इसको पर्सनली बहुत यूज किया यार, तो भरपूर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बस फालतू की चीजें हैं ना वो यहाँ पे नहीं बताएंगे, जैसे कि इसके कुछ हिडन स्पेक्स हैं और भी बहुत सारी चीजें जो आपको जानना जरूरी है, और उसको हमने अपने पहले रिव्यू में शेयर किया है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कमियां आई हैं, क्या हमको खराब लगा है और क्या इसकी अच्छाइयां हैं, बैटरी बैकअप कैसी है, कॉल क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, क्या इनके लुक्स एंड फील में कोई कमी आई है समय के साथ। बस यही एक तो कमी आई भाई साहब, ये थोड़ा सा जो है सिमट जाता है, लेकिन इसका बेनिफिट भी है। अब जैसे कि हम इसको गले में पहनते हैं तो देखो कैसे स्नगली फिट रहता है ना, मतलब इधर उधर भागता नहीं है भाई साहब, ठीक है, एकदम चपक के जो है आपके नेक में बैठा रहेगा और आराम से जो है भाई बेफिक्र होके रहो, क्योंकि बहुत सारे नेक बैंड्स है ना जो ऐसे नहीं रहते हैं, कोई ऐसे रहते हैं, कोई ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ना वो ऐसे ही सिमटता जाता है। तो ओवरऑल जो लुक्स है ना बहुत ही बढ़िया लगे हैं हमें, और अभी तक लुक्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं आई है। और वहीं पे बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले भाई, तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल यूज किया गया है नेक साइड, और यही वजह है कि भैया साफ बनता जा रहा है। और यहाँ पे जो कैप्सूल वाला एरिया है भाई, ये भी काफी जो है बढ़िया है, बस यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस देखने का आपको मिलेंगे समय के साथ, क्योंकि मैट फिनिश देखने को मिलता है, और बाकी वायर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। बाकी हम ये ध्यान रखते हैं यार कि वायर खींचे ना, क्योंकि कोई भी नेक बैंड हो एकदम हार्ड कोर मटेरियल से नहीं बने होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं, क्योंकि आपको कम्फर्ट चाहिए भाई, इसलिए ध्यान रखा कर बस खींचे ना तो नेक बैंड की लाइफ अच्छी रहती है। यहाँ पे बर्ड्स की तरफ देख ले तो हल्के फुल्के मिनिमम स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ध्यान से देखने को पता चलते हैं, बाकी कोई भी ऐसी कमी नहीं आई है इसमें। और एक तरफ मैट देखने को मिल जाता है, एक तरफ पियानो फिनिश। और बाकी ईयर टिप्स की बात करें तो भैया एक ईयर टिप्स हमारा खो चुका है, जो मीडियम साइज का जो लगा लगाया आता है, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे हमने स्मॉल वाला लगाया है, कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक, बस थोड़ा सा ध्यान दिया करो कहीं जब फंसेगा तभी निकलेगा, ठीक है, इतना इजीली नहीं निकलता है। और वही बटन्स वगैरह भी जैसे पहले वर्क कर रहे थे वैसे ही वर्क कर रहे हैं। वही ईयर टिप्स की बात कर ले, काफी सॉफ्ट मटेरियल से बने हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, बहुत ही सॉफ्ट। और कंफर्ट वगैरह भैया एक नंबर है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, चाहे आप दिन भर यूज कर लो, रात भर यूज कर लो, चाहे लेट के यूज कर लो, तकिए पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वही इन ईयर फिट भाई इतना जबरदस्त है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, चाहे भाई आप हार्ड कोर जिम कर लो चाहे रनिंग कर लो, अभी तक हमें कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला, कान से निकलता नहीं है नेक बैंड। ब्लूटूथ रेंज की बात कर ले यार, तो देखो समय के साथ इनका ब्लूटूथ जो है ना अच्छा होना चाहिए था, लेकिन 5.0 ही दिया है इन्होंने, तो ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ बीच में अगर दीवाली वाल आ जाती है तो ये कटता है। और इसकी मैक्सिमम रेंज जो है 10 मीटर है लेकिन ओपन एरिया में। और वहीं ऑडियो कोडेक की बात कर ले तो SBC और AAC देखने को मिल जाता है, और दोनों ही औसम तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पे डुअल पेयरिंग देखने को नहीं मिलती भाई साहब, ये बड़ी झल्लाहट वाली बात है। लेकिन यार जैसे ही 3 सेकंड तक दबाते हो ये प्लस और माइनस बटन तो ये रीसेट हो जाता है, तो तुरंत ही आप दूसरे डिवाइस या मोबाइल किसी से भी पेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो ऐसे यूज करते हैं भाई। वही कॉल क्वालिटी की बात कर ले यार, तो देखो अभी तक जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे ट्रैफिक एरिया हो अगर बात कर रहे हैं, तो डिस्टरबेंस सामने वाले को तभी होती है जब बहुत ज्यादा लाउड एरिया में आप होते हो, कि भाई तब जाके पीछे की आवाज आती है, नहीं काफी हद तक इसका जो है AI वाला माइक ना बहुत ही बढ़िया काम करता है, बहुत ही शानदार कॉल क्वालिटी मिलती है आपको, और माइक टेस्ट आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो यार ये जो आप हमारी आवाज सुन रहे हो OnePlus Bullet Wireless Z2 से, यार कैसे लग रही है इसकी माइक क्वालिटी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और बाकी जो है इतना मेहनत कर रहे हैं यार, तो चैनल सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को भैया थोड़ा लाइक वाइक करके शेयर कर देना भाई। बाकी बटन्स फीचर्स वगैरह ना यार ये आप जो है हमारा पहला वीडियो देख लेना, वहाँ पे अच्छे से डिटेल बताया है, बेवजह यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करना। बाकी उनमें कोई कमी नहीं आई है, जैसा काम करते थे वैसा ही वर्क कर रहे हैं, कोई इश्यू हमें अभी तक फेस नहीं हुआ है। और वही लेटेंसी की बात कर लेना यार, तो OnePlus ने बोला है कि इसकी लेटेंसी हम ऑन कर सकते हैं OnePlus डिवाइसेस में, वो भी 6 सीरीज के बाद जो लॉन्च हुए हैं उन OnePlus के फोन्स में। तो यहाँ पे यार हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है वो हम रियलमी फोन के हिसाब से बता रहे हैं, अभी तक कोई भी लेटेंसी इश्यू फेस नहीं हुई है हमें, चाहे आप वीडियो कॉल कर लो, ऑफिस मीटिंग वगैरह कर लो, चाहे भाई ऑनलाइन क्लासेस कर लो, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, मजे से कर ले जाओगे। हाँ यहाँ पे अगर आपके पास पुराना
लैपटॉप है या फिर पीसी वगैरह है, तो वहां पे भाई कनेक्टिविटी इश्यूज आएंगे आपको इसके साथ। लेकिन अगर आप लेटेस्ट प्रोडक्ट वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, हमारे पीसी वगैरह हम यूज कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने हमें कमेंट करके बताया हुआ है भैया कि हमारे पीसी सही से वर्क नहीं कर रहा या नहीं कर रहा, और खास तौर जो लोग मीटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बता रहे हैं और विंडोज में ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, लेकिन लेटेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया Xiaomi यूजर्स यहाँ पे सावधान रहना, क्योंकि जो Redmi Poco और MI वाले यूजर्स है ना उनके साथ कनेक्टिंग इश्यूज इसमें भी हैं जैसे कि पिछले बेस एडिशन में थी। हालांकि जितने भी कमेंट्स हमारे पास आए हैं वो Xiaomi के जो पुराने फोन्स हैं Redmi वगैरह के उन्हीं में दिक्कतें आ रही हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी कमेंट नहीं आया कि उनका फोन लेटेस्ट है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यार यहाँ पे उन लोगों से गुजारिश है जो इस नेकबैंड को यूज कर रहे हैं और Xiaomi के लेटेस्ट फोन के साथ, अगर कोई दिक्कत है यार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, लोगों को काफी हेल्प होती है प्रोडक्ट बाय करने में। और ना जाने क्या है यार OnePlus के नेकबैंड जो है Xiaomi फोन के साथ दिक्कतें देता ही है। और वहीं अगर गेमिंग की बात कर लें तो भाई देखो Realme फोन में तो लेटेंसी ऑन हुई नहीं, लेकिन गेम प्ले करके आपको दिखा दे रहे हैं तो कैजुअल गेमिंग कर सकते हो यार। और वहीं बैटरी बैकअप की बात कर ले दोस्तों, यहाँ ब्रांड जैसा बोलता है 10 मिनट में 20 घंटे का बैटरी बैकअप 50% वॉल्यूम पर ब्रांड ने बोला है, तो जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है हम बता दें आपको 17 से 18 घंटे आराम से मिल जाते हैं 10 मिनट चार्जिंग पर, और फुल बैकअप जो ब्रांड ने बोला है 30 आवर्स का, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम 27 तक जाएगा या फिर 28 अगर आपने 50% वॉल्यूम या 40% वॉल्यूम पर सुना तब। और वही अगर कॉल वगैरह करते तो बैटरी बैकअप और भी कम हो जाता है, लेकिन ये चीज जो है सभी ब्रांड्स के नेकबैंड पर लागू होता है सिर्फ OnePlus पर नहीं, क्योंकि सभी ब्रांड जो है 50% वॉल्यूम पर ही अपने नेकबैंड्स के बैकअप बताते हैं। अब यहाँ पे यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज वो है साउंड क्वालिटी, तो समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं तो कुछ बदलाव नहीं हुए दोस्त, बस यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम बताना चाहेंगे। बहुत लोग पूछते हैं नॉइज बाहर आती है क्या, तो नहीं यार नॉइज बाहर नहीं आती, लेकिन फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो आएगी थोड़ा बहुत, क्योंकि लाउडनेस अच्छी खासी है इस नेकबैंड की। तो बहुत लोगों ने पूछा हिसिंग साउंड आता है क्या, तो हिसिंग साउंड जैसी कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें भाई, बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर साउंड प्रोड्यूस करता है नेकबैंड। बैकग्राउंड साउंड कितना आता है, तो देखो यार बैकग्राउंड साउंड अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो कुछ नहीं आता है, इवन विदाउट म्यूजिक भी काफी हद तक बाहर की साउंड सील्ड कर देता है, जबकि कोई ANC वाले फीचर इसमें नहीं मिलते हैं। और सबसे भयानक क्वेश्चन भैया बेस कैसा है, तो बेस ऐसा है ना दोस्त अगर फुल वॉल्यूम पे सुनते रहे ना तो कान का बेस खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, बहुत ही जबरदस्त बेस यहाँ देखने को मिलता है, और ये फैलने वाला बेस नहीं एकदम डीप बेस मिलता है, मतलब मजा ही आ जाएगा अगर आप डीजे वाले गाने सुन लोगे भाई, बस फील कर ले जाओगे एकदम डीजे के सामने खड़े हो, तो जबरदस्त बेस एक्सपीरियंस आपको देगा ये नेकबैंड। और वहीं पे बता दें कि बेस के साथ साथ जो इसका बाकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो भी बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर है दोस्त, हाँ कहीं ना कहीं बेस जो है ज्यादा है और बाकी सारी चीजें थोड़ा बहुत वहां पे आपको कम लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ऑडियो एक्सपीरियंस खराब होगा। तो OnePlus ने यहाँ बहुत ही अच्छे से ट्यून्ड किया है ऑडियो को, जैसे कि बेस एडिशन में ट्यून्ड किया था, तो वहां पे क्या था कि एक बढ़िया साउंड क्वालिटी थी लेकिन बैलेंस थी, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा ट्यूनिंग है जैसे हमारे इंडियन यूजर्स को पसंद आता है भाई, हमको तो सीरियसली बताया बहुत ही पसंद आया नेकबैंड। और यहाँ पे अगर आप वोकल्स वाले गाने भी सुनते हो तो भी मजे ले जाओगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतने समय से यार यूज कर रहे हैं तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी हमें बहुत ही परफेक्ट लगी है, कोई भी इरिटेटिंग वाली चीज नहीं है इसके साउंड क्वालिटी में। तो ओवरऑल यार चाहे मिड्स की बात कर लो, चाहे हाइस की बात कर लो, चाहे लोस की बात कर लो, सब जबरदस्त है, यह है कि बेस सेंट्रिक ईयरफोन है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बाकी वीकेस्ट पॉइंट की बात कर ले समय के साथ हमें क्या क्या इसमें बेकार लगा है, तो यार देखो यहाँ पे बस आपको जो है वही जो OnePlus वाले फीचर्स है ना जो OnePlus के फोन से मिलते हैं वही आपको नहीं मिलेंगे दूसरे फोन में, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है यार भले ही वो ना हो। तो जैसे कि 94 ms की लो लेटेंसी है आप किसी दूसरे फोन में नहीं ऑन कर सकते हो, तो यहाँ पे जो क्रेजी गेमर्स है ना शायद उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली यार, मजे से खेल ले जाओगे। तो ओवरऑल यार ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से आप इस नेकबैंड को निग्लेक्ट कर दो। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस नेकबैंड को लेकर के या फिर कोई दूसरा नेकबैंड देख रहे हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार,
आपको एक बेस्ट नेक बैंड बता देंगे, बस अपनी नीड बता देना वहाँ पे। बाकी यार हमारे चैनल पे आपको जितने भी प्रोडक्ट के रिव्यूज मिलेंगे ना, सब जेन्युइन मिलेंगे, कोई भी रिव्यू यहाँ पे बायस नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स हम खुद अपने पैसों से खरीदते हैं। तो बस यहाँ पे यार आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने में हेल्प करता है। तो चलो यार मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।